के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रोहित सुचंती लगातार अपनी हदों को पार कर रहे हैं। रोहित अपने दायरे को भूल रहे हैं और बिग बॉस के नियमों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ ये नियम है कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, उसी बीच रोहित कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे कंटेस्टेंट्स के लिए बुरा भला कहने में। दीपिका और श्री को लेकर तो रोहित ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि दीपिका और श्री के फैंस रोहित को वाकई बाहर निकलने के बाद खूब पीटने वाले हैं। आपको बता दें कि जब बीते एपिसोड में सुरभि राणा ने श्रीसंत को लेकर ये कहा कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो तीन लड़कियां इसकी चमची बनकर घूमती हैं, जिस पर रोहित ने सुरभि को टोकते हुए कहा, क्या चमचियां, आंटी कहो आंटी। यहाँ बता दें कि सुरभि का इशारा दीपिका जसलीन और मेघा की तरफ था। तो वहीं दीपक से बात करते हुए रोहित ने कहा कि श्री ने अकेले वर्ल्ड कप थोड़ी जीते हैं, तो क्या हो गया, ये वर्ल्ड कप में खेला है तो एक कैच ही तो पकड़ा था, वो भी किस्मत से आ गया था। जी हाँ, श्री के प्रोफेशन को लेकर इस हद तक बोल गए रोहित। वेल, ये पहली बार नहीं है कि रोहित ने इस तरीके के डिफेमिंग कमेंट्स किए हैं। अब देखना ये है कि क्या सलमान इस वीकेंड के बार में रोहित सुचंती की हरकतों पर लगाम लगाते हैं या फिर नहीं। क्या इस वीकेंड के बार में सलमान रोहित से कुछ कहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर इस बार श्री का थप्पड़ चूक गया तो हमें लगता है अगली बार जब थप्पड़ मारेंगे श्री तो वो नहीं चूकने वाला। इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स, पहले ही सतर्क हो जाइए।